सिमर को बड़ी बहू का दर्जा दिलाने के लिए, सिमर को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए क्या गजेंद्र ओसवाल कर रहे हैं बड़ा नाटक। जी हाँ, आपको बता दें, कलर्स टीवी शो ससुराल सिमर के 2 में जहां आपने देखा गजेंद्र ओसवाल को होश आ गया। अब जिसके बाद गजेंद्र ओसवाल चाहते हैं कि सिमर उनके सामने आ जाए, और वो सिमर सामने आ भी गई है, जैसे कि आरव और विमान उसको लेकर आ गए। भाई अब कहानी में आप ट्विस्ट देखेंगे, जिसमें आपको ये देखने को मिल सकता है कि गजेंद्र ओसवाल सिमर को बड़ी बहू का दर्जा दिलाने के लिए ये सब याददाश्त खोने का, मेमोरी लॉस होने का, एक तरफ मेमोरी टिकने का नाटक कर रहे हैं, जिससे कि बड़ी माँ सिमर को वापस घर में लेकर आ जाए, जिसके बाद में जो है सिमर को वही खुशियाँ मिले जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि सिमर ने कुछ नहीं करा है। जिस तरीके से बड़ी माँ सिमर के साथ बिहेव करती है, जो कि गजेंद्र ओसवाल को ये सच्चाई पता चल गई है कि सिमर बिल्कुल बेकसूर है, सिमर ने कुछ नहीं करा, सिमर एक बहुत अच्छी बिल्कुल देवी जैसी लड़की है, जिसके बाद में गजेंद्र ओसवाल होना हो ये नाटक कर रहे हो, मेकर्स की ये बड़ी प्लानिंग हो, जिसके बाद में सिमर को बड़ी माँ के करीब देखकर जो है बड़ी माँ के जो है दिल में जो है सिमर बस जाए, और किस तरह से वो पहले की तरह सारे लोग खुश रहने लगे। और वहीं आपको बता दें कि ये सब नाटक करते करते बड़ी माँ के दिल में सिमर के लिए बड़ी जगह बन जाए। तो हो सकता है गजेंद्र ओसवाल ये सब चाहने के लिए, इतना सब कुछ करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और फिर उसके बाद गजेंद्र ओसवाल ढूंढे उस गुनहगार को सिमर के साथ मिलके, जो कि गिरिराज उनके सामने आ जाए, जिसके बाद में अब वो गिरिराज को क्या सजा देंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, कि आखिर कब उसकी सच्चाई बड़ी माँ के सामने यानी गीतांजलि देवी के सामने आएगी। वेल अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार भाई एक प्रोमो जो सामने आया है जो आज के एपिसोड में, जहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से जो है बड़ी माँ यानी गीतांजलि देवी जो है किस तरह से सिमर का वेलकम कर रही है, उसको बोल रही है कि सिमर जैसी बहू सबको मिले, सब जो नाटक कर रही है गजेंद्र ओसवाल के लिए। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आखिरकार ये नाटक कब रियलिटी में बदल जाएगा, कब बड़ी माँ जो है सिमर को दिल से अपनाने लगेंगी, कब उसकी सारी जो उसको गलतियाँ उसको अच्छाई में बदल देगी, सिमर अपनी अच्छाई से बड़ी माँ की दिल में जगह बना लेगी। ये सब कुछ हो ना हो गजेंद्र ओसवाल का बहुत बड़ा नाटक हो, एक गेम हो, सिमर को उसका दर्जा, बड़ी बहू का दर्जा दिलाने के लिए, सिमर को उसकी रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आने वाले एपिसोड्स के लिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।